सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन के नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। क्योंकि जो परमेश्वर का वचन है वह सामर्थी है। जो कोई व्यक्ति उस वचन को सुनता है, ग्रहण करता और रिसीव करता है, परमेश्वर का वचन उसके जीवन में एक बड़ा और अलौकिक काम करता है। इसलिए आइए वचन को देखते हैं। भजन संहिता अध्याय 32 वचन 1 से। भजन संहिता अध्याय 32 वचन 1 से आइए देखते हैं। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें परमेश्वर का दास जो दाऊद है वह कह रहा है कि क्या ही धन्य है वह व्यक्ति, कहता है क्या ही धन्य है वह व्यक्ति, वह मनुष्य जिसका अपराध क्षमा किया गया, कहता है जिस व्यक्ति का अपराध क्षमा कर दिया गया हो वह परमेश्वर की दृष्टि में धन्य और महान है और जिसका पाप ढापा गया हो वह व्यक्ति धन्य और महान है कि जिसके पापों को, जिसके अपराधों को परमेश्वर ने क्षमा कर दिया और ढांप दिया, यानी उसका लेखा नहीं लिया, पाप के बदले में उसे दंड न दिया। परमेश्वर जिसके पापों को क्षमा कर देता है और उसके पापों को भूल जाता है, ऐसा व्यक्ति परमेश्वर के दृष्टि में धन्य और महान होता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा बाइबिल के वचनों में लिखा गया है कि प्रभु यीशु ने कहा कि योहन्ना के अध्याय 5 के 24 वचन देखेंगे तो उसमें कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले के ऊपर विश्वास करता अनंत जीवन उसका है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं। मेरे प्यारे भाई बहनों, ठीक उसी प्रकार यह वचन बताती है कि वह व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में धन्य और महान होता है कि जिसके अपराध क्षमा कर दिए जाते हैं, जिसके पापों को ढांप दिया जाता है, उसी के अपराध क्षमा होते हैं, उसी के पाप ढापे जाते हैं कि जो यीशु के वचन को सुनकर उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है। यदि सच में आप भी प्रभु यीशु के वचन को सुनकर परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हो, आप उस परमेश्वर के वचन को मानते हो, तो जरूर है कि वह प्रभु आपके भी अपराध को ढाप देगा, आपके गुनाहों को, आपके पापों को क्षमा करेगा। कहता है क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले। कहता है वह व्यक्ति धन्य, वह व्यक्ति महान है कि जिसके अपराधों का वह परमेश्वर लेखा जोखा नहीं लेता, जिसके पापों का लेखा जोखा नहीं लेता, वह व्यक्ति धन्य और महान। उसी व्यक्ति के पापों का लेखा जोखा नहीं लिया जाता है, परमेश्वर नहीं लेता है, कि जो परमेश्वर के वचन को सुनकर विश्वास करते, मानते, ग्रहण करते, उस परमेश्वर की आज्ञा पे अपने आप को चलाते, उसके अधर्मों का परमेश्वर लेखा नहीं लेगा, परंतु उसके अधर्म को क्षमा कर देगा, उसके पाप को भुला देगा, यानी उसके पाप को दबा देगा, ढांप देगा। कहता है कि देखो परमेश्वर के दृष्टि में वो व्यक्ति धन्य और महान है कि जिसके अधर्म का कोई दंड न दिया जाए, परंतु जिसके आत्मा में कपट न हो। परमेश्वर उस व्यक्ति से प्रसन्न होता है, अर्थात परमेश्वर के लायक वह व्यक्ति होता है कि जिसके जिसके आत्मा में कोई कपट नहीं होता, कोई छल नहीं होता, जो मन, आत्मा और हृदय से पवित्र होता है, जिसके अंदर छल कपट की भावनाएं नहीं होती है,
कहता है कि वह व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में धन्य और महान है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आप भी परमेश्वर की दृष्टि में धन्य बनना चाहते हो, महान बनना चाहते हो, तो अवश्य है कि उस परमेश्वर के वचन को सुनिए, सुनकर ग्रहण करिए, उसे अपनाइए, उसके ऊपर विश्वास करिए, तो प्रभु आपके भी गुनाहों को क्षमा कर देगा, आपके पाप को ढांप देगा, आपके अधर्म का कोई लेखा जोखा नहीं लेगा, आपके पापों का लेखा जोखा नहीं लेगा। कब नहीं लेगा? कि जब आपके आत्मा में कोई छल कोई कपट नहीं होगा। इसलिए आप भी उस परमेश्वर के लायक बनिए, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है, वह चाहता है, वह आपसे चाहता है कि आप उसके लायक बनो, वह चाहता है आपसे कि आप उसकी सुनो, आप उसकी मानो। जब आप उसकी सुनोगे मानोगे तो जरूर है कि हर वह दिन जो आपके लिए आएगा, हर दिन वह परमेश्वर क्या करेगा, आपको संभालेगा, आपको सुरक्षित रखेगा, आपको अपने आशीषों में ढापेगा, अपने अनुग्रह में आपको भर कर रखेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आंखों को बंद करिए। मैं आज सुबह की प्रार्थना आपके लिए करता हूँ, जरूर है कि पूरे दिन आप परमेश्वर की आशीष में बने रहोगे और आपके सारे कामों पे परमेश्वर की आशीष उतरेगी। थैंक यू। ओ महान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते प्रभु, आदर महिमा तुझे देते पिता, प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु अपने सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हर एक को स्पर्श कर मेरे प्रभु, हर एक को सुले, ताकि इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारियां नष्ट होने पाए। वो महान परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं उनके जीवन में तू आशीष दे, ताकि उनके द्वारा जो अपराध जो गुनाह हुआ पिता उन्हें क्षमा कर दे। हे परमेश्वर, इनके सारे गुनाहों को क्षमा कर, इनके अपराधों को ढांप दे मेरे प्रभु, इनके पापों का लेखा मत ले पिता। हे प्रभु, अपने अनुग्रह के द्वारा इन्हें आशीषित कर, ताकि तेरे आशीषों में पले बड़े और चंगे हो जाए। हे मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते क्योंकि तू अलौकिक काम करने वाला प्रभु है, अपने भारी आशीषों के द्वारा ढांप दे, क्योंकि वचन में लिखा गया है कि विश्वास करने वाला कभी लज्जित नहीं होता। ये तेरे विश्वासी प्रभु, इनके विश्वास के अनुसार इन्हें चंगा कर, क्योंकि तू चंगा करने वाला परमेश्वर। तूने कहा मैं इस नगर का इलाज करके निवासियों को चंगा करूं, मैं तेरा चंगा करने वाला स्वरूप। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ इनके जीवन में जो दुख है, जो तकलीफ है, जो परेशानियां प्रभु, सारा दुख, सारी तकलीफ, सारी परेशानियां प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं इनके जीवन से बिल्कुल नष्ट होने पाए। हर एक दुखों से, हर एक तकलीफों से प्रभु इन्हें छुटकारा दे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते इनके जीवन में जो रुके हुए हैं परमेश्वर, जो भी असंभव काम है, हम प्रार्थना करते हर असंभव कार्य संभव होने पाए। ओ लिबरेशन द रेशखा रबसन दुलु रिबासा काला आबलाबा सिंदेशोलु रिबासा लबसवेदन दुलु रिबा। महान परमेश्वर, तेरी महिमा की सामर्थ्य इनके जीवन में आए और इनके शरीर में चाहे जो बीमारियां हो वो सारी बीमारियां निकल जाए, वो सारी बीमारियां नष्ट होने पाए यीशु के नाम में। ये परमेश्वर, जितने भी तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी कारगरी बंधन, सारे बंधन टूटने पाए, कोई दुष्ट आत्मा है दुष्ट आत्मा निकल जाए, शैतानी आत्मा शरीर छोड़े निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते इनके आंखों में बीमारी निकल जाए, कान की बीमारी निकल जाए, नाक की बीमारी निकल जाए, मुंह की बीमारी निकल जाए, गले की बीमारी निकल जाए, इनके सीने में कोई दर्द हो जलन हो नष्ट होने पाए, पेट के अंदरूनी हिस्से में दर्द हो जलन हो कोई बीमारी हो नष्ट हो जाए, कमर की तकलीफें निकल जाए, रीढ़ की हड्डियों की बीमारी निकल जाए, घुटने की बीमारी निकल जाए, जोड़ों की तकलीफें निकल जाए, हड्डी हड्डी की तकलीफें, मांसपेशियों की तकलीफें निकल जाए, नसों की तकलीफें निकल जाए। हे परमेश्वर, ब्लड प्रेशर शुगर की बीमारी, दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते इनका लीवर काम नहीं करता, काम करने लगे, इनकी किडनी खराब हो चंगी हो जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, इनके शरीर में ब्लड नहीं बनता, बनने लगे, इनके शरीर में प्लेटलेट्स की घटी है तो वह भरपाई होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, जुखाम, खांसी, बुखार जो भी है नष्ट होने पाए, हर प्रकार की तकलीफें, बवासीर की तकलीफें निकल जाए। हे परमेश्वर, इनके शरीर में चाहे जो बीमारियां नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग नष्ट होने पाए, पीलिया, एसिनोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए, जिसके पास संतान न हो उन्हें संतान की आशीष मिले, जिसके शरीर में दुष्ट आत्माएं निकल जाए,
दुष्ट आत्मा निकल जाए। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता अपने स्वर्गीय आशीष से ने भर मेरे प्रभु, ताकि आज इनके जीवन में बड़ा चमत्कार हो जाए, आज इनके जीवन में नया चमत्कार है। महान परमेश्वर, तू अपने महिमा की आशीष से अधिक उभर दे। जिनके पास रोजगार नहीं, उन्हें रोजगार की आशीष दे। जिनके पास रोजगार, उनके कमाई के ऊपर बरकत की आशीष दे। हे परमेश्वर, हर एक के जीवन में जिस बात की घटी है उसे भर दे मेरे प्रभु। इनके जीवन में अलौकिक काम होने पाए, पढ़ाई लिखाई करने वाले आशीषित होने पाए। हाँ मेरे महान प्रभु, मैं प्रार्थना करता पिता, अभी इन्हें छू और अभी इन्हें चंगा होने दे। अभी प्रभु, अभी प्रभु हमें बता रहा, अभी तीन लोग ऐसे हैं, अभी पवित्र आत्मा के वरदान से भरने जा रहे हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ उनके ऊपर उतर रही, रिसीव करो। देखो पवित्र आत्मा छू रहा, छू रहा, छू रहा, ठस रिंदे शेली रिवासा कालावा संदुलो। ओ पवित्र आत्मा हरे को छू ले, ओ पवित्र आत्मा ने छू, पवित्र आत्मा का स्पर्श होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, ने आत्मिक ज्ञान बुद्धि दान वरदानों से भर, ताकि आत्मा में भरते और बढ़ते जाए। मेरे महान प्रभु, तेरा साथ इनके साथ, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।